हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं 10 रुपीज़ के बॉल पेन को। तो ये शिवा ट्राई ऑन कंपनी के पेन हमें मार्केट में मिले थे, ये 10 रुपीज़ के हैं। तो ये जो पेन है वो पेस्टल बॉडी कलर्स में आते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छे लगे। तो चलो फटाफट इनको रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको ये मार्केट में मिले तो आपको ख़रीदने चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपने ऑलरेडी यूज़ किए हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये पेन कैसे लगे। तो ये पेन सिंगल कलर्ड है, इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पेन है। तो कैप ओपन करके देख लेते हैं। तो ये ऐसे ट्रायंगुलर ग्रिप के साथ आते हैं पेन, कोई ग्रिप तो नहीं है लेकिन इस पेन की बॉडी के ऊपर ग्रूव्स बनाए हुए हैं ताकि पकड़ने में अच्छा लगे। और निब इसकी 0.7 mm की है। तो चलो अब इससे लिख के देख लेते हैं। सब कुछ तो हमने आपको बता दिया इसके बारे में जो भी था। तो फर्स्ट ट्राई में तो चला ही नहीं पेन ये, तो दोबारा चला के देखते हैं इसको। अब चलना स्टार्ट हो गया है। चलने में तो स्मूथ लग रहा है काफ़ी, तो चलो अभी इसे लिख के देखते हैं। तो चलने में काफ़ी अच्छा है पेन, स्मूथ है, इंक फ्लो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो काफ़ी डार्क इंक है इसकी। तो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा पेन है। तो जहाँ पे मैंने एस लिखा हुआ है आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़ी सी इंक इकट्ठी हो गई है, तो इंक ब्लॉबिंग जो है वो इस पेन के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ओवरऑल चलने में काफ़ी अच्छा है। तो चलो देखते हैं कि इंक जो है वो पीछे छप गई है या फिर नहीं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर आप इससे थोड़ा सा डार्क लिखोगे तो पेपर के ऊपर इंक छप जाएगी पूरी। और ये नोटबुक जो मैंने यूज़ की है ये फ्री माइंड की थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। और अगला रिव्यू हम किस चीज़ का लेके आएँ आप वो भी कमेंट करके हमें बता देना, हम उसी चीज़ का रिव्यू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्योंकि बहुत